हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आपके साथ बॉलीवुड की कई ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने अपने दम पर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। आज हम उनकी शान और शौकत देखकर काफी चकित हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने ये सक्सेस पाने के लिए काफी लंबा स्ट्रगल किया है। उन्होंने काफी आर्थिक तंगी के बीच अपनी शुरुआत की और उसके बाद जाकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में जिन्होंने काफी आर्थिक तंगी के बाद इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में नंबर एक पर है विकी कौशल। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर विकी कौशल का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा था। एक इंटरव्यू में विकी ने बताया था कि वो 10x10 की चौल में पैदा हुए थे और उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ बाथरूम शेयर करना पड़ता था। विकी और उनका पूरा परिवार चौल में ही रहता था, लेकिन विकी ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और आज वो बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर में शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर दो पर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नवाज के पिता खेती में काम करते थे, लेकिन कर्ज से घिरे रहने के कारण उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ी थी। गरीबी के चलते नवाजुद्दीन की माँ को उनके जेवर भी बेचने पड़े थे, लेकिन नवाज ने संघर्ष को पार कर बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाई है। नवाज ने अपने करियर की शुरुआत में वॉचमैन की नौकरी भी की है, लेकिन लगभग एक दशक की कड़ी मेहनत के बाद नवाज ने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। हाल ही में नवाज ने मुंबई में एक आलीशान घर भी बना लिया है जिसका नाम उन्होंने नवाब रखा है। इस लिस्ट में अगला नंबर है नेहा कक्कड़ का। पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ का बचपन भी काफी गरीबी में बीता था। नेहा ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर अपने जीवन में ये सफलता हासिल की है और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब नेहा के पिता समोसे बेचकर अपने परिवार का पेट भरते थे। पैसों की तंगी के कारण नेहा ने महज 4 साल की उम्र में ही जागरण में गाना गाना शुरू कर दिया था। नेहा का पूरा परिवार महज एक कमरे के घर में रहता था, लेकिन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए नेहा कक्कड़ ने संघर्ष कर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। इस लिस्ट में अगला नंबर है जॉनी लीवर का। बॉलीवुड में अपने कॉमिक अंदाज को लेकर पॉपुलर हुए एक्टर जॉनी लीवर ने भी बेहद गरीबी में बचपन गुजारा है। पैसे के अभाव के कारण जॉनी अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे और अपने घर को चलाने के लिए उन्होंने सड़कों पर पेपर बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके कॉमिक अंदाज ने उन्हें आगे चलकर एक आइकॉनिक एक्टर बना दिया। इस लिस्ट में अगला नंबर है कादर खान का। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कादर खान का बचपन भी काफी तंगी भरा रहा। कादर जब 1 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वो डोंगरी जाकर एक मस्जिद में भीख मांगते थे। दिन भर में जो 1-2 रुपये उन्हें मिलते थे उससे उनके घर में चूल्हा जलता था, लेकिन कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर कादर खान ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर है गुलशन ग्रोवर का। बॉलीवुड में खलनायक की भूमिका निभाकर अपनी पहचान बनाने वाले गुलशन ग्रोवर भी इस लिस्ट में शामिल है। गुलशन ग्रोवर अपने जीवन में बेहद गरीबी का सामना कर चुके हैं। विभाजन के दौरान उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था और एक समय ऐसा भी था जब उनके परिवार के पास खाने के पैसे भी नहीं थे। वहीं पैसे की कमी के चलते वो कई बार भूखे भी सोए हैं। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए गुलशन ग्रोवर कोठियों में बर्तन बेचते थे और इसे बेचकर अपने स्कूल की फीस भरते थे। हालांकि अपनी मेहनत के दम पर गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस लिस्ट में अगला नंबर है मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन चक्रवर्ती आज भले ही सुपरस्टार है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी संघर्षों को पार किया है। मिथुन का बचपन बेहद ही गरीबी में गुजरा था। वहीं परिवार की हालत को देखते हुए मिथुन चक्रवर्ती नक्सलियों की टोली में शामिल हो गए थे। गरीबी के कारण मिथुन ने अपने भाई को भी खो दिया था, लेकिन उन्होंने संघर्ष कर बॉलीवुड में अपनी कामयाबी हासिल की। इस लिस्ट में अगला नंबर है राजपाल यादव का। बॉलीवुड के सफल कॉमेडियंस में से एक राजपाल यादव का बचपन भी बेहद गरीबी में गुजरा। राजपाल यादव 6 भाई बहन थे और उनके पिता खेती कर सभी को पालते थे। वहीं बचपन में स्कूल से निकलने के बाद राजपाल यादव ने 2 साल तक कपड़े की फैक्ट्री में टेलर का काम किया था। इस लिस्ट में अगला नंबर है जगदीप का। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर और कॉमेडियन जगदीप का बचपन भी संघर्ष भरा रहा। बंटवारे के साल उनके पिता गुजर गए थे, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई आई थी।
घर चलाने के लिए जगदीप की माँ अनाथ आश्रम में खाना बनाती थी और अपनी माँ की मदद करने के लिए जगदीप ने स्कूल छोड़कर सड़क पर साबुन, कंघी और पतंगे बेचना शुरू कर दिया था। सड़क पर सामान बेचने के दौरान जगदीप की मुलाकात बीआर चोपड़ा से हुई और उस समय बीआर चोपड़ा अफसाना नाम की एक फिल्म बना रहे थे। एक सीन के लिए उन्हें कई बाल कलाकार चाहिए थे जिसमें से एक जगदीप भी थे। इसके बाद उनका बाल कलाकार के रूप में फिल्मी करियर शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इन बॉलीवुड एक्टर्स ने बड़ी ही गरीबी और तंगी में अपना बचपन गुजार कर बॉलीवुड की बुलंदियां हासिल की हैं। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।